वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्हाइट एजुकेशन पे। बिहार कांस्टेबल की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आते हैं इन मॉडल टेस्ट पेपर में आप सभी के लिए। मॉडल पेपर अटेंड करें, मॉक टेस्ट देते रहें लगातार, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रांग कर सके। 70 क्वेश्चन का सेट है जहां पर बिहार जीके, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देखें, उत्तर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर को। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। कांस्टेबल के लिए सुबह में 10 बजे आपको ये करेंट अफेयर का जो क्लास दिया जा रहा है, ये करेंट अफेयर क्लास आपके ना तो सिर्फ इस एग्जाम के लिए बल्कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा एक साल का करेंट अफेयर आपको यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जा रहा है व्हाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, तो हमें वहाँ भी ज्वाइन करें, एजुकेशन की 86 और व्हाइट एजुकेशन की के दोनों ही चैनल पर। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को अब। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी। ये क्वेश्चन इतिहास से है, यहां पे आंसर जरूर कीजिएगा अगर आपको पता है तो। ऑप्शन है आपके सामने, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुप्त संधियों को बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक, बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण के जनक भी माने जाते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं उनके बारे में। सन 1871 से लेकर सन 1890 तक जर्मनी के चांसलर के पद पर ये नियुक्त भी थे। अगला क्वेश्चन, 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य में हुई है, ड्यूल अलायंस कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहां पे आपका यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना की थी दोस्तों मेजनी ने, आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी, ये सभी को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जोसेफ मेजनी ने किया था। और मेजनी ने मार्सेई में यंग इटली की स्थापना भी की थी 1831 में, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी जेम्स, देखिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा, जेम्स हार्गिव्स ने किया था, नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या है, इट्स अ सी, जिनका भी उत्तर सी आ रहा है दोस्तों नोट कर लीजिएगा। इली विटनी के कपास ओटने की मशीन का आविष्कार भी, जी हाँ, इली विटनी ने किया था, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। चलिए उत्तर कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड गए यहाँ पे, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, उनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया गया था, और राज्याभिषेक की प्रक्रिया जो है काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न की गई थी, ये पता होना चाहिए आपको। और शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि, तो 1674 में ही राज्याभिषेक करके उनको छत्रपति का उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। बिल्कुल, आंसर क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इट्स अ बी, वल्लभाचार्य ने, नोट कर लीजिएगा। इन्होंने कृष्णदेव राय की शासनकाल में ही विजयनगर पे वैष्णव संप्रदाय की स्थापना भी की, और श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल भी दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूचीबद्ध करना है आपको, सुमेलित करना है दोनों सूचियों को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप लोग भी यहाँ पे आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है, भक्ति, संत और व्यवसाय का कुछ यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। नामदेव को अगर आप मिलाना चाहेंगे तो दर्जी से मिला दीजिएगा, कबीर को अगर मिलाना चाहेंगे तो उनका व्यवसाय क्या था, तो जुलाहा था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे रविदास जो थे वो मोची थे, बिल्कुल याद रखिएगा, और जो सेना थे, सेना है ना, नाई थे। ठीक है, ये इसका सूची का सही मिलान है, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ बी, 3-2-4-1। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसे पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, आंसर कीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी, 1817 ईस्वी की ये घटना है, नोट कर लीजिएगा।
कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि उसको हिंदू कॉलेज नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और डेविड हेयर की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? चलिए उत्तर कीजिएगा दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा, लेनिन ने किया था। ठीक है, 1917 की ही घटना है, नोट कर लीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 2017 से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? चलिए अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहां पे दादा भाई नौरजी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो अनुमान दादाभाई नौरजी ने प्रस्तुत किया था वो बहुत ही कम थी और 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये मात्र थी, 20 रुपये। ठीक है, और 1901 में अगर कर्जन की सरकार देखी जाए तो 30 रुपये प्रति आय हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? उत्तर कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, यहाँ पे ए सर एंड्रयू फ्रेज। जी हाँ, बंगाल के विभाजन के समय सर एंड्रयू फ्रेजर जो थे, सन 1903 से लेकर 1908 तक इनका कार्यकाल था और बंगाल के एक सिविल सेवक और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे ये। ठीक, चलिए रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, चाइना से, नोट कर लीजिएगा। जिनका भी उत्तर आ रहा है बी, यहाँ पे उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? देखिए सेवर्स की संधि मैं आपको बताया था, सेवर्स की संधि सन 1920 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए चूंकि डेटा जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए, डेटा आपको नहीं पता है तो आपको हिस्ट्री याद ही नहीं रह सकती है। आप अगर डेटा यूज़ करते हैं, मतलब डेट्स है ना, डेट्स डेटा यानी कि डेट्स यहाँ पे, और कार्यकाल याद रखते हैं और उनके पीढ़ी याद रखते हैं तो आप हिस्ट्री में कोई सवाल गलत करके आ ही नहीं सकते हैं। तो ये पेरिस की पेरिस शांति सम्मेलन जो है ये किससे में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आंसर होगा तुर्की के द्वारा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और ये संधि हुई थी सन 1920 में। अखिल भारतीय दलित संघ स्थापित किया गया था? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। सन 1920 की ही घटना है ये, अखिल भारतीय दलित वर्ग यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहां पे ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है, नोट कर लीजिएगा, दूध से, तो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसका उद्देश्य था दूध का उत्पादन में वृद्धि करना। श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है भारत में? तो वर्गीज कुरियन को, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ऑपरेशन फ्लड के अब तक 3 चरण पूरे किए गए जा चुके हैं। प्रथम चरण हुआ था 1970 से 81 के बीच, 9 साल। फिर द्वितीय चरण हुआ था 81 से लेकर 85 तक, 4 साल। और फिर अंतिम चरण हुआ था दोस्तों 85 की बात कर रहा हूँ, से लेकर 90 तक, ये 5 साल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबी रेल मार्ग चलाती है? बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे डी, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे लंबी है अभी तक की विवेक एक्सप्रेस जो है, डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जो कि 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस भी चलती है, एक सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाली ट्रेन भारत की। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये है 3,726 किलोमीटर ही तय करती है। लेकिन जो डिब्रू से विवेक एक्सप्रेस है ये चलती है 4,286 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? बिल्कुल उत्तर कर रही है यहाँ पे सी, यहाँ पे 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इनमें से कौन सी मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? देखिए भूगोल से ये क्वेश्चन है, दोनों ही दोनों आंसर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर आंसर करके जाइएगा। यहाँ पे 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए सी, दोमट अर्थात मध्यम आकार की कोणों वाली मिट्टी। ठीक, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नारियल, काजू और रबड़ के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल, अगर आपके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सी, जी हाँ, मालाबार तटीय क्षेत्र में, तो आपके उत्तर सही है यहाँ पे।
मालाबार जो है केरल राज्य में अवस्थित है, आपको बता चुके हैं, और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्तीय क्षेत्र है। ठीक, नोट कर लीजिएगा मालाबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे 18 का आंसर कीजिएगा, इट्स ए, चिकनी मिट्टी से सबसे ज़्यादा पौधों को क्या होता है दोस्तों, जल प्राप्ति होती है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एसएससी सीजीएल में, इसलिए आ सकता है एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है, आंसर कीजिएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन है, आंसर करेंगे 19 का, इट्स ए डी, पारादीप और हल्दिया। जी हाँ, भारत के पूर्वी भारत का बंदरगाह है ये पारादीप और हल्दिया। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और हल्दिया जो पतन है ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक, आंसर क्या करेंगे, डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मानक समय। देखिए ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतने से ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा, भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच का अंतर क्या है? बिल्कुल, अगर आपके उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे ए, 5.5 घंटे का, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आंसर डी कर लीजिएगा, जिनका भी उत्तर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि डाम्फा का नाम सुना है आपने, डाम्फा अभयारण्य ये मिजोरम में है, याद रखिएगा, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, कोबरा के लिए, याद रखिएगा, कोबरा सांप के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र हैं, कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा? बिल्कुल, दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है, आंसर क्या करेंगे, डी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन है? बिल्कुल, अगर आपके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 23 का ए, यानी कि गुजरात, तो आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है, कपास के लिए सबसे ज्यादा गुजरात प्रथम स्थान पे है, और कपास की खेती के लिए काली और रेगुर मिट्टी की आवश्यकता जो होती है कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र भी है कपास की खेती में। अगला क्वेश्चन, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए उत्तर कीजिएगा 24 का, यहाँ पे इन 70 क्वेश्चन का सिनारियो जो है आपको मैं रोज दे रहा हूँ, इसका क्यूज अटेंड करें आप लोग लगातार, है ना, और इसका आंसर भी करें ताकि ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम के समय तक याद रह सके। 24 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी लेनिन, आंसर क्या करेंगे हम यहाँ पे, सी करेंगे। द स्टेट एंड द रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो लेनिन ने लिखी है, याद रहेगा आपको, और ये 1917 में बोल्शेविक जो कि क्रांति हुई थी, मैं आपको बताया पहले क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद 25 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ आंसर करेंगे ए, राष्ट्रीय योजना के उन्नति पर चर्चा कराती है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ओहो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे कूट है आपके पास कुछ, यहाँ पे आंसर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है राष्ट्रीय योजना की उन्नति तो कराती है, साथ में आपका राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य की प्राप्ति का उपाय भी सुझाती है, और राष्ट्रीय योजना के निर्माण हेतु दिशा निर्देश भी प्रदान करती है, ये तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो आपका आंसर ए यहाँ पे होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बी, मुख्यमंत्री में निहित है, आंसर बी कर लीजिएगा। आप आपको बता दें कि पॉलिटी से ये क्वेश्चन है और आर्टिकल 153 आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 153 जो है इसमें राज्यपाल पद पर उल्लेख है, यह संविधान में आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद पर उल्लेखित है, और आर्टिकल 154 जो है अंतर्गत जो है उसमें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं, ठीक, और 163 में राज्यपाल जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सहयोग से अपने कार्यों को संचालित भी करते हैं, ये याद रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? बिल्कुल, आपके उत्तर अगर यहाँ पे दो डी आ रहे हैं इनमें सभी, तो ये सही है, यहाँ पे ए और बी और सी तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अर्थ क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिएगा, ये रहा पूरा क्वेश्चन, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे इट्स ए डी, इनमें सभी। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पुनर्विलोकन की शक्ति का अर्थ है ए, यानी कि संसद द्वारा निर्मित विधि के संविधानिकता की जांच करना। फिर संविधानिकता की जांच करना किसके? तो कार्यपालिका के आदेशों की, और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंविधानिक घोषित भी कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 29। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार था? कौन सा व्यक्ति है ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर करेंगे दोस्तों 29 का यहाँ पे इट्स सी, सर बी एन राव। आपको बता देना चाहते हैं बी एन राव जो हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी एन राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स ए, आर्टिकल 352 के तहत। ये क्वेश्चन मैं अक्सर बताता हूँ और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। 31 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, राजकोषीय नीति का जो है घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में गन्ना की खेती का एक उदाहरण है, बिल्कुल अगर आपके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ए, रोपण कृषि, तो आंसर बिल्कुल सही है। आंसर क्या करेंगे हम यहाँ पे ए, यहाँ भारत में गन्ना की खेती का उदाहरण क्या है? रोपण कृषि का। और भारत में गन्ना का जन्म भूमि कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कहा जाता है गन्ने का भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, IMF की स्थापना कब की गई थी? IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, सन 1945 में की गई थी। अगर आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पे डी, तो आप बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। 27 दिसंबर याद रखिएगा डेट अगर पूछ दे तो, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भुगतान संतुलन को सहायता करना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। आंसर करेंगे दोस्तों इट्स बी, स्थिर दामों पे। जी हाँ, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को चालू मूल्यों और तथा स्थिर मूल्यों पर मापा जाता है, किंतु इन दोनों में स्थिर मूल्यों को ज़्यादा ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। आंसर आप बी कर लीजिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से कौन सा होता है? निम्न से कहाँ प्राप्त होता है? आंसर करेंगे दोस्तों इट्स बी, तृतीय सेक्टर से, यानी कि थर्ड सेक्टर से। भारत की NI कहलाती है ये, ठीक है। NI का सबसे बड़ा भाग तृतीय क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है, ठीक, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी, सर्विस एरिया भी कहते हैं इसको। 36 का आंसर कीजिएगा। देखिए साइंस से क्वेश्चन आ चुके हैं अब आपके लिए। रक्त और हड्डियों के उदाहरण होते हैं, आंसर करिएगा संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। जी हाँ, ये तीन प्रकार के होते हैं जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए। एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा होता है कंकाल ऊतक, और तीसरा होता है तरल ऊतक, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? चलिए उत्तर जरूर बताइएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिएगा। बिल्कुल 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति होती है दोस्तों, लिख लीजिएगा, गैसीय, ठीक है। और जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य की जुड़ी हुई है? तो देखिए आंसर करेंगे हम यहाँ पे 38 का इट्स बी, कर्नाटक से जुड़ी हुई है यक्षगान, ठीक है, याद रखिएगा। यक्षगान, कुणीता, करगा, लांबी, वीरगा से, है ना, ये सारे के सारे जो है कर्नाटक से जुड़ी हुई लोक नृत्य हैं दोस्तों। किसके क्विक लाइम भी कहते हैं, किसको कहते हैं क्विक लाइम, किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। आंसर कीजिएगा 39 का यहाँ पे इट्स अ डी, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहते हैं इसको, CaO कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको उजाला छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ भी कहते हैं। यह दुर्गनीय पदार्थ है, यानी कि बहुत कम दिखाई देने वाला पदार्थ है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के समूह से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां बोला गया है नहीं है, तो आंसर क्या करना है अपने को, इट्स अ बी मार्सलिया। मार्सलिया जो है पौधा थैलोफाइट का समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है, आंसर हम बी कर लेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो साइंस के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है आपके एग्जाम में आने के लिए, तो आंसर करके जाइएगा यहां पे, बिल्कुल कॉर्क। कॉर्क जो है घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, और कम घनत्व होने के पदार्थ अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था? सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर का क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा। 42 का आंसर कीजिएगा, विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को 1992 में ही दिया गया था, जाहिर सी बात है, और इस पुरस्कार को 7.50 लाख रुपये देकर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 7.5 लाख रुपये यहाँ पे सम्मान में दिया जाता है इनको। गन्ना सामान्यतः किससे उगाया जाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे काटते हुए, गन्ना जो है सामान्यतः काटते हुए से उगाया जाता है, ठीक है, तना काट के ही इसको बो देंगे तो आप गन्ना का उपज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, आंसर कीजिएगा ए, बल की विपरीत दिशा में जब इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 45, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? बिल्कुल ऐसे हम लोग हर कोई जानते हैं, प्रथम आवर्त का अंतिम तत्व है हीलियम, ठीक, और हीलियम निष्क्रिय गैस को आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले आवर्त में रखा गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति क्या है? बिल्कुल अगर आप यहां पे उत्तर करें 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जी हाँ, आंसर क्या करेंगे, इट्स अ बी, 3×10⁻¹० है दोस्तों, ठीक है, ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 47 का वायु श्वासन, यानी कि जब आप एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं उसकी प्रक्रिया के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। श्वसन के अंदर जो की गई वायु में नाइट्रोजन जो होती है 78.09% और ऑक्सीजन 21% विद्यमान होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब किसी वस्तु को सी सेल्सियस और फॉरेंट के बीच रखा जाए तो ये क्वेश्चन कुछ अलग है, फिजिक्स से क्वेश्चन आया है दोस्तों यहाँ पे। जब किसी वस्तु को सी यानी कि सेंटर और एफ यानी कि फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनती है? आंसर बिल्कुल सही करेंगे, सेंटर के बाद यानी कि सी के बाद बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि? आंसर करेंगे दोस्तों, धातु के परमाणु के परतें एक दूसरे के साथ फिसल सकती हैं इसलिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाते हैं? बिल्कुल अगर आपका उत्तर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है इट्स अ डी, गैल्वेनोमीटर, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, और इसकी सहायता से करीब 10⁻⁶ एम्पियर तक की विद्युत धारा को भी मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर करेंगे दोस्तों FeCl2, नोट कर लीजिएगा, फेरस क्लोराइड आणविक सूत्र होता है दोस्तों FeCl2, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। किसी भी मिट्टी का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में उसको क्या मापती है? बिल्कुल आंसर करेंगे उसके अम्ल अंश को, जी हाँ, किसी भी मिट्टी का पीएच मूल्य उस मिट्टी का अम्ल अंश को दर्शाती है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? बिल्कुल आंसर करेंगे ऊष्मा में, ठीक है, आंसर क्या करेंगे, इट्स बी ऊष्मा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? इट्स ए चेक में, ठीक है, आंसर क्या करेंगे, ए चेक में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? बिल्कुल आंसर करेंगे मस्तिष्क कोशिकाओं में। याद रखिएगा हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा कोशिकाएं मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती हैं, और पुनर्योजी यानी कि कारपोरा क्वाडिज्मिया, ठीक है, यह एक दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ण शक्ति पर नियंत्रण केंद्र भी हम लोग इसको कहते हैं। एक होता है बॉडी में हमारे मस्तिष्क में सेरिबेलम, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 56, आंसर कीजिएगा, मानव हृदय में कितने वल्व यानी कि वाल्व होते हैं, सेट्स होते हैं? ये शायद आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये बता चुका मैं बहुत बार। बिल्कुल बिल्कुल आंसर इनका भी आ रहा है, ए चार होते हैं, वो आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो वाल्व होते हैं हृदय में, मनुष्य के हृदय में, वो चार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो लार है, स्लाइवा है, उसको लाभ नहीं है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 57 का, इट्स अ बी, यह शरीर के आरबीसी की वृद्धि कराती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, नोट कीजिएगा 58 का आंसर करिएगा यहाँ पे। अब करेंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आपको शायद मिलेंगे यहाँ पे, तो आंसर आप लोग करिएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किन्हें प्रदीप कुमार सिन्हा के स्थान पर नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर सुबह का करेंट अफेयर आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो शायद इसका आंसर आप लोग जरूर कर पाएंगे, ठीक है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए राजीव गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिएगा यहाँ पे। बिल्कुल आंसर करेंगे जयपुर, क्या करेंगे, जयपुर, राजस्थान की राजधानी भी होती है जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एन ग्रूट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए नीदरलैंड के ये वैज्ञानिक हैं, आंसर क्या करेंगे, ए नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं। माई लाइफ माई मिशन निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल आप उत्तर करेंगे यहाँ पे, बी बाबा रामदेव की आत्मकथा है ये, आंसर क्या करेंगे, इट्स अ बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, अर्थ ओवर सूटेड आई मीन्स कि अर्थ ओवर सूट डे 2019 में किस तिथि को मनाया गया? बिल्कुल आंसर करेंगे हम यहाँ पे, ए 29 जुलाई को मनाया गया। करेंट के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये, आंसर जरूर कीजिएगा इसका। जुलाई 2019 में राज्यों के राज्यपाल कौन सा मिलन गलत किया गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड और उड़ीसा, ये चार राज्यों का राज्यपाल के बारे में बताया गया है, तो कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है वो बताना है, और उस राज्य का राज्यपाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो 63 का आंसर कीजिएगा। देखिए बिहार के फागू चौहान बिल्कुल सही है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं ये भी सही किया गया है, नागालैंड के हैं आर्यन रवि ये भी सही किया गया है मिल, और उड़ीसा के हैं जगदीप धनखड़, ये यहाँ पे गलत है, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, मिलान गलत जो है डी है। अब कौन से उड़ीसा के राज्यपाल हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया है अगर आप लोग क्यूज अटेंड कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 64, मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार संरक्षण यानी कि जो अभी अधिकार संरक्षण हुआ है अधिनियम 2019 का, कितनी बार सजा का प्रावधान किया गया, कितने वर्षों का एक्चुअली, तो याद रखिएगा आंसर कीजिएगा 3 साल का, 3 तलाक नहीं देना है वरना 3 साल का सजा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने जुलाई 2019 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही पद छोड़ दिया है? यह भी करंट का क्वेश्चन है, विरल आचार्य है यहाँ पे, आंसर कर लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था? सेना भारती है ना, सेना भारती है एक्चुअली, ठीक है, आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, 1856 ईस्वी में ये शुरुआत हुआ था अधिनियम का।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? बिल्कुल आंसर अगर आपका आ रहा है विंबलडन, तो आंसर बिल्कुल सही है, जो कि घास के मैदान पे इसका कोर्ट बना के खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 68, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? आंसर है पृथ्वी। जी हाँ बिल्कुल उत्तर सही है, इनका उत्तर जिनका बी आ रहा है 69 का यहाँ पे आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? यहाँ पे बताइएगा निम्नलिखित में से नृत्य शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो आंसर हम करेंगे दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इट्स ए मणिपुर। ओके अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? इसकी मुद्रा को भी हम कहते हैं रुपया, नेपाली रुपया कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन 70 क्वेश्चन में, इन 70 प्रश्नों में आपने उत्तर कितने किए हैं सही सही, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्यूज कैसा लगा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, एक लाइक भी कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। ओके चलिए मिलते हैं सुबह की क्लास में, कल सुबह 10 बजे करेंट अफेयर की क्लास में। ओके बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, मिलते हैं आपसे कल सुबह में।